शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सो जाइए, मैं यहाँ अपने लिए लगा लूंगी। नहीं, मैं यहीं सोऊं। प्लीज सौम्य, मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर आप नीचे सोएंगे मेरे लिए। प्लीज रात की बेला कितनी सुहानी है, रह रह के धड़कता दूरियां भी है, नजदीकियां भी है, फिर भी हंसी है ये मजबूरियां। रात यही रुक जाए, वक्त यही थम जाए, चले प्यार का नखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई कबारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। अभी जो सूप नखा है वो रावण की बहन, बहुत मायावी, क्या सुंदर रूप रचती है और कभी राक्षसी हो जाती है। रावण की ही तरह दुष्ट मक्कार। एक बार वो पंचवटी गई तो वहां दोनों भाइयों को देख लिया, राम और लखन को, तो उन पर मोहित हो। अब इस प्रसंग को हम यहीं समाप्त करते हैं। अब ये प्रसंग खत्म हुआ है, अब हम तुम्हें बताते हैं कि धर्म क्या है और कर्म क्या है। हाँ। इन दोनों का आपस में तालमेल क्या है, और इस धरती पे जो जीव आए हैं उन्हें इस धर्म का और कर्म का पालन कैसे करें। क्या हुआ, नींद आ रही है? हाँ, कुछ मुझे भी थकावट सी महसूस हो रही है। कॉफी पिए, उसे नींद खुल जाएगी, फिर बात करेंगे। क्यों, ठीक है ना? मैं अभी कॉफी बना के लाता। अरे तेरी कॉफी पीते पीते तो मैं बुड्ढा हो गया। आज संजना के हाथ की कॉफी पीते हैं। क्या हुआ, नहीं बनानी आती? आती है? अच्छा, तो बना के लाओ बेटा। जी जरा मीठा कम। हाँ, रघु, अगर कोई मीठे से ही मर जाए तो उसे जहर देने की क्या जरूरत है? मैं जानती हूँ आपको रात को कुछ पढ़कर ही सोना अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपके लिए मैगजीन्स लेके आई हूँ, और स्पोर्ट्स की इसलिए क्योंकि मैं जानती हूँ
कि आपको क्रिकेट बहुत पसंद है। पढ़ लीजिए। आपको क्रिकेट बहुत पसंद है ना? वैसे मुझे भी बहुत पसंद है। वो अलग बात है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, वो सिली पॉइंट्स, LBW, पता नहीं क्या क्या। लेकिन हमारी टीम का जो कैप्टन है ना, सचिन तेंदुलकर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फॉर इंफॉर्मेशन, इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन सचिन तेंदुलकर नहीं, राहुल द्राविड है। वैसे शुक्रिया, आपने कुछ बात तो की। उल्टी पढ़ेंगे तो कैसे बात समझ में आएगी? सीधी पढ़ेंगे, सब समझ में आ जाएगा। किस्मत ले आई है नजदीक दोनों को, कितनी हंसी है ये मजबूरियां, कुछ बंदिशें भी है कुछ ख्वाहिशें भी है, कुछ कह रही है नजरों की जुबान। हो पहली पहली बार है, अजब सा ये साथ है, सजनी सजन के दरमियान। हे 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 हो। आधी रात होने को आई है पर रोहित के पास अभी मेरे टाइम नहीं है। हद होती है,
बेटा तुम अपने लिए नहीं लेके आई कॉफी? तुम्हारी नींद कैसे खुलेगी? खुल जाएगी। मुंह धो के आई हो? हाँ, देखा इतना अच्छा चेहरा लग रहा है। तो क्या है बेटा, तो अब धर्म कर्म का प्रसंग तो खत्म हो गया, अब हम बात करते हैं जीव की। मुझे देख रहे थे तो नजरें क्यों चुरा ली? आपका तो हक बनता है मुझे देखना, बल्कि आप अगर मेरी तारीफ भी करना चाहेंगे तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, बल्कि अच्छा ही लगेगा। मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। हमारी सेठानी जी ने हमको फूलों की तरह रखा, आज तक एक पत्ता हिलाने नहीं का। बताओ हमको काम करना पड़ रहा। काम चोर लड़की, कौन आप? तुम्हारे अलावा और कोई यहाँ है? ये क्या है? इसे सफाई कहते हैं? सॉरी, अभी बताता हूँ सॉरी का मजा। अब इस घर का सारा सामान तू बाहर निकालेगी और एक एक सामान साफ करके इस कमरे को सजाओगी, और ये सारा काम 2 घंटे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, 1 मिनट भी ऊपर नहीं लगना चाहिए। और इसके बाद तुम मेरा कमरा साफ करोगी। हाय भगवान, ये तुम क्या कर रहे हो? हमारे साथ इतना काम, बेचारी चमेली कैसे करेगी? नो इफ नो बट हो जाएगी जयराम जी की। क्या सोच रही हो? भगवान से बात कर रही हो? भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। काम ज्यादा है, वक्त कम है, फटाफट हाथ चलाओ वरना ऐसी सजा मिलेगी कि दिन में तारे नजर आ जाएंगे। समझ आ गई? सारा काम हम ही करें, बाकी सब मर गए ना इस घर में। हमारी नन्नी जान ले लिया। अब हर कोई थोड़ी ना हमारी तरह जो काम करेगा, सोए रही अपने कमरे में चद्दर तान के। अभी तक भौजी को पता चल गया तो जाकर उठाओ उसे जल्दी, जाना। अब ये भी हम ही करे। ये संजना भी ना समझाया है उसे भौजी को इंप्रेस करे, लेकिन वो तो It's official.
The sequel is bigger, better, and thanks for the two. क्या बात है आज मैडम बहुत गुस्से में लग रही? खुद ही से पूछ लो, मुझसे शादी क्यों की? जब तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है तो दिन भर घर का काम करो और रात को पति का इंतजार। बाप रे इतना गुस्सा? माफी मिलने की कोई गुंजाइश नहीं? हाँ नहीं। अगर मैं ये कहूँ कि शाम को मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा तो? ऑब्वियसली नहीं। और अगर मैं ये कहूँ कि आज शाम को धूम के शो की मेरे पास दो टिकट्स हैं तो? नहीं। अब ठीक है, पिक्चर देखने के लिए थोड़ा जा जाता तो मैं ऐसे करता हूँ कि ये जो टिकट्स है ना, मैंने फाड़ देता हूँ। रोहित माफ कर दिया। ओ, शुक्रिया हजूर आला, वरना बच्चे की तो जान ही निकल गई थी। आओ बैठो। नहीं बैठो ना, जिद मत करो, बैठो। ओह लवली चीज एंड जैम, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। माइंड ब्लोइंग, बहुत टेस्टी हलवा। हलवा हलवा कहाँ है? अरे तुम इतने प्यार से लगाती हो कि इसमें हलवे जैसी मिठास आ जाती है। आगे देखो। तुम बिना। काम कर रही है, अच्छा लग रही है। हम करते हैं काम। हाँ वो तो मैं देखता हूँ। कल मुझे बहुत अच्छा लगा, संजना ने अध्यात्म की और ज्ञान की बातें बड़े ध्यान से सुनी। मुझे आज की पीढ़ी में विश्वास होने लगा कि आज की पीढ़ी ऐसे टॉपिक्स पे बात कर सकती है, उन्हें सुन सकती है, उन पर चर्चा कर सकती है। और मैं सोच रहा हूं कि आज के बाद मैं और संजना रोज एक स्पिरिचुअल टॉपिक पे बहस करेंगे, ठीक है ना? कई बार उल्टे सीधे पैर चलाने से ससुराल में दिक्कत आ जाती है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना बेटा? I'm sorry दादाजी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। संजना जी, अगर दादाजी ने तुम्हें यहाँ देख लिया ना तो? आई डोंट केयर सौम्या, मुझे बताओ कल रात को क्या हुआ। ये कैसे स्टूपिड सा सवाल है? स्टूपिड तो स्टूपिड सही सौम्या, मुझे जवाब चाहिए। कहाँ सोए थे तुम? उसने तुमसे बात करने की कोशिश तो नहीं की ना? वो तुम्हारे करीब आई थी। संजना स्टॉप इट। सौम्या मैं क्या करूँ, मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तुम इनसिक्योर क्यों हो रही हो? मैंने तुम्हें कहा है ना कि मैं जानती हूँ सौम्या, मुझे तुम पे भरोसा है, लेकिन मेरी नजरों के सामने तुम किसी और लड़की के नजदीक आओ, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। संजना स्टॉप दिस, स्टॉप क्राइंग। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं इस कमरे में परी के साथ सिर्फ दादाजी की वजह से हूँ। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? संजना तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? हाँ तो फिर अपने दिल से फिजूल की बात निकाल दो। लेकिन सौम्य जब मैं तुम्हें परी के इतने नजदीक देखती, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती सौम्य, मैं मर जाऊंगी। देखो जब तक दादाजी यहाँ है और कोई चॉइस नहीं है,
हमारे पास कोई रास्ता नहीं। एक रास्ता है सौम्या, एक ऐसा रास्ता जिस पे चलने से दादाजी भी तुम्हें नहीं रोक पाएंगे और तुम्हारे और परी के बीच में दूरियां वापस आ जाएंगी। अच्छा, रोना बंद कर। बताओ कैसा रास्ता? बस कल का इंतजार करो सौम्या, कल तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। कल से ये कमरा होगा, परी होगी और उसकी तन्हाई। तुम नहीं जानती कल का दिन मेरे लिए कितने खुशियां लाए और परी के लिए कल सौम्या, बस कल।